हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपके चैप्टर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास एक फिगर दी है और फिगर में दिया गया है इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। DQR का मिड पॉइंट है, इट मींस DQR का मिड पॉइंट है, तो हमने इसे मार्क कर लिया है, ये इसका मिड पॉइंट है। आपके पास जो भी वैल्यू दी जाती है आप उसको मार्क कर लेते हैं तो वो याद रह जाती है। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने बताया था व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज एल्टीट्यूड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मैंने बताया था कि अगर अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली अगर कोई साइड होती है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड होती है, हम उसको मीडियन कहते हैं। और अगर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है अपोजिट वर्टेक्स से, तो हम उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया व्हाट इज पीएम, पीएम इज डैश। तो आप देखेंगे पीएम क्या है, आप देखेंगे यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल का साइन होता है, और 90 डिग्री एंगल का साइन है तो मींस ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो आपको यहां पर क्या फिल करना है, एल्टीट्यूड। सेकेंड पार्ट में कहा गया पीडी इज, मैंने आपको बताया डी मिड पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डी मिड पॉइंट है, और डी से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली साइड क्या होनी चाहिए, मीडियन। ये आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। इसमें एक और पार्ट पूछा गया इज QM इज इक्वल टू MR। क्या आपसे कहा गया है QM MR के इक्वल है, तो हमें यस इसका आंसर यस या नो में बताना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहां पर D मिड पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि QD इज इक्वल टू DR तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, यस, बिकॉज D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट आपको दिया गया है, M तो नहीं दिया गया, इट मींस M अगर मिड पॉइंट नहीं दिया गया तो आप क्या कह सकते हैं QM MR के इक्वल है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, QM इज नॉट इक्वल टू MR। तो हमारा आंसर यहां पे होगा QM इज नॉट इक्वल टू MR, ये हमारा आंसर इसका नो आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए इसमें कहा गया है, और रफ स्केच का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। रफ स्केच का मीनिंग होता है कि आपको एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी होती है, ना तो हमें वहां पर रिक्वायरमेंट होती है किसी डायमेंशंस की, ना ही रिक्वायरमेंट होती है किसी स्केल की। तो आपसे कहा गया है ड्रॉ रफ स्केचेज ऑफ द फॉलोइंग इन ट्राइंगल ABC BE इज द मीडियन। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है और रफ फिगर बनानी है, तो हमने ट्राइंगल का नाम क्या रखा है, ABC। मैंने ट्राइंगल के नाम रखा है ABC क्योंकि इसमें कहा गया था ट्राइंगल ABC ड्रॉ कीजिए, तो हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है। इसमें कहा है BE इज द मीडियन, तो आपको यहां पर एक मीडियन बनानी है BE। मीडियन क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मीडियन होती है अपोजिट वर्टेक्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड या लाइन सेगमेंट। आप देखिए यहां पर E AC का अगर मिड पॉइंट है और अगर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कहलाएगी, मीडियन। इसमें सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट दिया गया है, इसमें कहा गया ट्राइंगल PQR ड्रॉ कीजिए जिसमें PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एक हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें PQ और QR दोनों ही एल्टीट्यूड्स हों। तो आपसे कहा गया आप एक ट्राइंगल बनाइए PQR, तो हमने ट्राइंगल बना दिया, और आपसे कहा गया इसमें दो एल्टीट्यूड होने चाहिए, एल्टीट्यूड कौन कौन से कहे इसमें, PQ एंड PR। आप देखते हैं आप एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, और राइट ट्राइंगल में ये भी एल्टीट्यूड कह सकते हैं, इसको भी एल्टीट्यूड कह सकते हैं, आप देखिए इसको एल्टीट्यूड कैसे कह सकते हैं, और ये भी एल्टीट्यूड हो सकता है। अब एल्टीट्यूड की डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी आप देखिए चेक करिए कि एल्टीट्यूड की डेफिनेशन यहां फॉलो हो रही है। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एल्टीट्यूड होता है। देखिए यहां पर अपोजिट वर्टेक्स से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। इट मींस यहां पर PQ एंड PR दोनों ही एल्टीट्यूड्स हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट में आपसे कहा गया है इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द
एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहां पर एक वर्ड दिया गया है एक्सटीरियर, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्रायंगल्स का जो एटीट्यूड होता है वो एक्सटीरियर भी हो सकता है, वो इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको बहुत सारे ट्रायंगल के नेम बताए हुए थे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने बताया था कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक मैंने आपको दूसरा ट्रायंगल बताया था जिसको मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताया था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल जिसके वन ऑफ द एंगल मोर देन 90 होते हैं। वन ऑफ द एंगल मोर देन 90, वो 100 भी हो सकता है, वो 120 भी हो सकता है, लेकिन एक्यूट एंगल में ऑल एंगल्स 90 से कम होते हैं। सपोज हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल 60 है, 40 है और ये 80 है। ये कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो हमें दोनों ट्रायंगल्स में डिफरेंस समझना है। अब हमें इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड कहां आया है? इसका एल्टीट्यूड आया इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में। और इसका एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कहां पर आएगा? इसका एक एल्टीट्यूड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में आएगा, मतलब ट्रायंगल के बाहर की साइड आएगा। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इसका एक एल्टीट्यूड बाहर भी आ सकता है। तो एल्टीट्यूड बाहर है तो आपसे कहा गया एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में आना चाहिए एल्टीट्यूड। तो इट मींस कि हमें ट्रायंगल कौन सा बनाना है? हमें ट्रायंगल बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आपसे कहा है वाई एन इज एन एल्टीट्यूड, तो वाई इस पॉइंट को रख लीजिए और एल इस पॉइंट को रख लीजिए। तो वाई एल क्या हो जाएगा? ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। बाकी आपका नाम है ट्रायंगल का एक्स वाई जेड, तो एक्स इस पॉइंट को रख सकते हैं, जेड इस पॉइंट को रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल या एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आ गया। वाई एल हमारे पास एल्टीट्यूड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है वेरीफाई बाय ड्रॉइंग इफ द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल कैन बी सेम। आपसे इसमें कहा गया है आप ये वेरीफाई करके बताइए एक आइसोसेलस ट्रायंगल में इसकी जो मीडियन होती है और इस ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड होता है क्या वो सेम होता है। तो मैंने यहां पर एक आइसोसेलस ट्रायंगल ड्रॉ किया है। आइसोसेलस ट्रायंगल की कोई भी आप साइड ले सकते हैं, रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए, केवल आपको इसे समझना है क्वेश्चन को। मैंने इसकी साइड ले ली है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहां पर एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। आपको पता है आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी टू साइड इक्वल होती है। तो यहां पर ए बी और ए सी 6 सेंटीमीटर की है, बी सी इसकी 4 सेंटीमीटर की है। अगर आप इसमें कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ होता है? अपोजिट वर्टेक्स से आप ड्रॉ करेंगे तो यहां पर सपोज ये डी पार्ट पे मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है? एडी क्या है? एल्टीट्यूड। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एन एल्टीट्यूड। एडी क्या है? एल्टीट्यूड है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एल्टीट्यूड है। अब आप जब देखेंगे इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट भी है, ये आपका मिड पॉइंट भी आ जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया। उसके अलावा यहां पर मिड पॉइंट भी आ जाएगा और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट भी होगा। इट मींस अब आपकी मीडियन की जो हमारी डेफिनेशन है वो भी यहां पर फॉलो हो रही है। मैंने बताया था मीडियन की डेफिनेशन में कि अगर हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाली साइड को हम मीडियन भी कह सकते हैं। ऑल्सो वी कैन से दैट एडी इज ऑल्सो द मीडियन of isosceles triangle ABC। It means आपके पास एक isosceles triangle है, आपने जो side draw की है AD, ये perpendicular भी है और midpoint पर को भी
मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर रही है, इट मींस ये आपकी मीडियन भी है। तो ये आपकी जो साइड है एडी, ये मीडियन भी है और ये एटीट्यूड भी है। बस आपको यही वेरीफाई करना था, आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है। और मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, ये एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन की वीडियो में सब चीज बहुत ही क्लियरली बताई गई है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, हमारे आइसोसेलस होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं, इसके अलावा आपको मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस भी बताया गया है। तो आप इसको कंप्लीट देखें, इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को पढ़ें, बहुत इजी लगेगी आपको। थैंक यू।